सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पाकिस्तान की नई इमरान खान सरकार ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में इमरान खान ने हाल ही में देश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के सामने मौजूदा आर्थिक चुनौतियों और अपनी सरकार का फ्यूचर प्लान भी लोगों के सामने साझा किया। पाकिस्तान के सरकारी टीवी पर एक घंटे से भी ज्यादा देर के लिए दिए गए भाषण में उन्होंने कुछ ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी हमारी और आपकी सोच से भी ज्यादा बुरे दौर में पहुँच चुकी है। पाकिस्तान का कर्ज इस समय अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुँच चुका है। इमरान ने जो डाटा पेश किया है उसके मुताबिक देश की इकोनॉमी पर 28,000 अरब पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। अन्य देशों की ओर से जो पाकिस्तान को कर्ज दिया गया है वो अब 95 अरब डॉलर यानी तकरीबन 12,000 अरब पाकिस्तानी रुपए हो चुका है। इमरान खान के मुताबिक 2013 में ये मात्र 60 अरब डॉलर यानी तकरीबन 7,000 अरब पाकिस्तानी रुपए का था। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।